गेम खेलता चलेगा रहता है, कोई काम जाएगा। कर ले, कनाडा पे तो जाके करनी पड़ेगी लेबर। कनाडा में हाँ क्या करता रहता, काम कर रहा था। 2018 में मैंने की अपनी स्टडी कंप्लीट। तो मतलब मैंने घर वालों के साथ लड़ाई करता रहता था, थोड़ा शरारती बच्चा था मैं। तो उन्होंने मेरे को अच्छा बोला कि भाई तू तू अपना कुछ कर ले पढ़ाई वढ़ाई का, या तो कुछ चला, मतलब मैं ही बोला, मैं ही बोला कि मैं चला जाऊंगा, मैंने तुम्हारे पास रुका ये वो लड़ा था। तो बाद में डिसाइड होता है स्टडी पूरी करने के बाद कि नहीं तू यहीं पे रह जा, ये यहीं पे कुछ कर लेगा बंदा, बंदा या स्टडी वडी जो भी तूने करना हो। तो मैंने बोला नहीं मैं तो जाऊंगा ये जाऊंगा। तो मेरे पापा ने ना सब कुछ रेडी कर लिया, जब सब मतलब एकदम जब सब कुछ रेडी हो गया था, पैसे वैसे सब रेडी हो गए, तो रातों रात मेरा मूड चेंज होता है कि बहन तो वहां पे तो जाके करनी पड़ेगी लेबर, मेरी पड़ के गांड। मैंने बोला कि मेरा मूड चेंज है, वहां चला है मैं नहीं कर रहा, तो अपने पैसे रखो अपने जेब में। पापा 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 हैरान कि ये रातों रात क्या हो रहा है, कि मतलब रात के रात बंदा कैसे चेंज हो सकता है जो बंदा इतने दिन से चला रहा है। तो पापा मान गया, चल ठीक है कि अच्छा है, चल इधर रह रहा है ठीक है, मेरे पास रहेगा। तो हो गई बात खत्म। तो उसके बाद दोबारा फिर पबजी चालू, फिर 6 महीने तक बूम बाम दिन रात पबजी कर ली। तो भाई 6 महीने बाद घर वाले फिर देखने लग गए कि बैठ बैठ तोड़ रहा है, बैठ बैठ ये निकालो इसको बहन चुत कंड्रे को, क्या करा रहा है इतने घर से फ्री में पबजी खेल रहा है। तो भाई मेरे मम्मा मेरे पीछे, मतलब मेरी मम्मा मेरे को गाली वाली देना, गाली नहीं अरे क्या कहते हैं उसको, डांट डांटना चालू कर, एक गेम खेलता रहता है, कोई काम कर ले, एडमिशन नहीं करवा रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे पापा को बोल के इसको भेजो बाहर, तुम इसको नहीं रखना हमें। तो मैंने फिर गुस्से में आके बोल दिया कि तुम बैठा अच्छा लग रहा भाई, तो मेरे को तुम्हें अपना बेटा नहीं अच्छा, मतलब वो तो मेरे फायदे के लिए बोल रहे थे, बोल दिया कि तुम्हें अपना बेटा नहीं अच्छा लग रहा, भेज दो जाने का। तो फिर ना क्या कहते हैं, फिर हम अप्लाई करने गए, ऑफर लेटर अप्लाई किया, ऑफर लेटर आया। तो भाई फीस भरनी थी, नहीं हाँ फीस भी सब कुछ भर दी, सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ खत्म हो। तो मैं ना पबजी भी छोड़ दिया, मैंने सोच लिया कि पबजी भी छोड़ देता हूँ, पबजी भी मैं छोड़ने का प्लान बना लिया। लेकिन क्या हुआ, सीजन 5 के बाद मेरा ये पीएम को अनाउंस हुआ था, तो तब ना पेड कस्टम वस्टम खेलना चालू कर दिए थोड़े थोड़े। ये मतलब घर वालों को ये कर दे कि हाँ भाई पबजी खेल रहे हैं, तो मेरी मतलब के लिए खेल रहे हैं। तो उसके बाद कुछ PM... है मतलब नहीं नहीं स्कोप वो कुछ नहीं, मतलब अगर मैं इधर कुछ बैठ रहा हूँ तो मतलब मैं थोड़े बहुत पैसे भी बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ना के बराबर ही था क्या, महीने का 5-10 हज़ार 20 हज़ार। ओके तो उसके बाद पीएमसीओ आया, पीएमसीओ हमने करवा दिया रजिस्टर। तो भाई हम लोग प्लान कर रहे हैं तो पीएमसीओ में पीएमसीओ फाइनल तक पहुंचेंगे, 16 भी आएंगे तो 25-25 हज़ार में आ जाएंगे, कम तो हो जाएंगे अमीर। उधर जाके अलग ही सीन होता है, उधर जाके इंडियन टाइगर ठोकती है 2 चिकन डिनर। तो उसके बाद 2 चिकन डिनर के बाद हमें लगा बैंक 40 लाख हमारे। तो भाई हमारे 3 बंदे साथ में, हमारे 3 बंदे दोनों ने कर दिया बैंक चो, हम 40 लाख हमारे वहां जाओ कैसे भी। तो वो लाइटली ले गए, तो उधर खुद के थर्ड आ गए। चल थर्ड आने के बाद भी बात खत्म हुई, फिर भी वो मतलब ऐसे ही ऑफर, मतलब मेरा प्रोसेस चालू है बाहर जाने का। हाँ तो वो प्रोसेस चलते चलते 2-3 महीने लगते हैं ना, तो फिर मैं अपना ये PMIT आ गया, उसके बीच में ESL भी आ गया। ESL नहीं नहीं वहाँ याद आया मेरे को, अबे वो नहीं तो वो भाई ना प्रीलिम्स, नहीं नहीं फीस वीस भरा सब कुछ, प्रीलिम्स हो गया था, प्रीलिम्स के बाद ना फीस वीस आया। तो उधर से तो उसी दिन तो हमने करनी थी फाइल अप्लाई, मतलब फाइल वर्क करनी थी उसके लिए कनाडा के लिए, उसी दिन आ गया ओआर वालों का फोन। मैंने सोचा मैं इसने मेरे को फोन किया कि भाई तेरे को इतने पैसे देंगे ऐसा करके, ऐसा सीन होता है, मेरे को क्या पता, मैं जो लौड़ा एक्सपोर्ट लौड़ा लसन, मेरे को लंड की कुछ नहीं पता था। हाँ। तो उस टाइम मैंने बोल दिया कि भाई कौन है तू, कौन फोन कर रहा है, हेलो किसको फोन मिला है, तो ऐसा करके तो बात एक्सप्लेन किया। मैंने कहा नहीं मैं तो अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं ये चुतिया गेम में टाइम पास कर रहा हूँ। तो उन्होंने भाई उनको लगा कि बंदा कि मतलब कुछ और सोच रहा है, तो वो हाथ से नहीं जाने देते थे, देना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे को अगले ही दिन उन्होंने मेरे को और ऑफर किया। तो फिर मैंने ये बात बताई अपने टीम में, टीम और ऑफर मतलब और ज्यादा पैसे ऑफर किए। अच्छा अच्छा तो मैंने बात ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कैरी के साथ ही बात की, तो कैरी बोलता कि मेरे को जरूरत है कि मतलब मैं ठीक करते हूँ, वो उसने मेरे को बोला कि हाँ तू स्पॉन्सरशिप ले ले कि मेरे लिए ले ले। तो मैंने उसके कारण मेरे को साइन करना पड़ गया, लेकिन मैं उस टाइम भी उनको ना जबरदस्ती फोर्स करके 6 महीने का साइन किया कि मैं तो भाई कैनेडा जाऊंगा। अच्छा मैं तो भाई कैनेडा जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तो चल उसके बाद सीन आया PMIT का,
सीएमआईटी तक तो टीम बन गई, स्ट्रांग पूरी मिलान मिलान क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन मूड फिर भी कनाडा जाने का था। सीएमआईटी के बाद उसके बाद दोबारा फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात हुई कि चलो अभी कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया, चलो खत्म, बाय बाय, कल मिलते हैं, मैं कनाडा जाके करूंगा तुम्हें कॉल। अच्छा तो दोबारा फिर अच्छा। तो फिर तुम्हारा भाई वहां से फंसता है मायाजाल, उल्टा हम पे पड़ गया मायाजाल, उल्टा ही पड़ गया भाई, उल्टा भाई जो मायाजाल हमने दूसरों को दिखाया वो मायाजाल पड़ गया हम पे। हां मायाजाल पड़ गया सैलरी का। फिर तो फिर उसके बाद भाई बने हम थोड़े फंसते फंसते आईजीएल बंदे बंदे मारे माफ किया सर, उसके बाद तो मायाजाल में फंसते फंसते इतना फंस चुके हैं कि अब तुम्हारे पास सब ठीक है। मतलब एक तरह से समझ लो अगर बाय चांस कनाडा हो जाता तो आज जोहर मम्मी यहाँ मतलब नहीं नहीं कनाडा से खेलता ना, कनाडा में किसी को बैन किसी के बर्तन वर्तन साफ करता था किसी जो होता अच्छा के लिए होता है भाई, हो गया अच्छा।